जय हिंद साथियों, मैं शंकर राठौर, यूट्यूब चैनल शिवा मैथमेटिक्स एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे चैप्टर पाइप तथा टंकी, पाइप्स एंड सिस्टम्स। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, उसको हम सॉल्व करते हैं। नल हमें दो दिए हैं ए तथा बी, तो ए नल द्वारा टंकी भरने में लगा समय बराबर 12 घंटे। तो ए नल द्वारा एक घंटे का कार्य बराबर 1/12। बी नल द्वारा टंकी भरने में लगा समय बराबर 15 घंटे। बी नल द्वारा एक घंटे का कार्य बराबर 1/15। ए नल द्वारा टंकी भरने में लगा समय बराबर 12 घंटे, इसलिए ए नल द्वारा एक घंटे का कार्य बराबर 1/12। बी नल द्वारा टंकी भरने में लगा समय बराबर 15 घंटे, इसलिए बी नल द्वारा एक घंटे का कार्य। तो क्या करना है, ए प्लस बी का एक घंटे का कार्य बराबर 1/12 प्लस 1/15। हम ऐसे भेजेंगे तो आ जाएगा हमारा 60, आ जाएगा हमारा 5 प्लस 4। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 9/60। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो इसको 9 को 3 से काट देंगे, 60 को 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 20। तो आगे हमारा ए प्लस बी का एक घंटे का कार्य। अब हमें समय निकालना है तो समय के लिए क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे। तो दोनों नलों द्वारा टंकी भरने में लगा समय बराबर 20/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 20/3 है, 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 घंटा 40 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।